हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शाम से शुरू है क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। नेगी जी ऑफिस चले गए थे, मैं अभी अकेली हूँ। दिन भर मेरे को बस एडिटिंग का ही टाइम मिला, बाकी कुछ करने का टाइम नहीं मिला। अब बस शाम की पूजा करनी थी, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और कैसी चल रही हैं गर्मियां आपकी? गर्मियां शुरू हो गई हैं, मैंगो शेक शुरू हो गया होगा, लस्सी शुरू हो गई होगी, छाछ शुरू हो गई होगी। ऐसे हाँ, मैं ये कहना चाहती थी, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बोला था छाछ पीना गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, तो सही में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही एम्प्टी, पर हाँ ये है कि ब्रेकफास्ट से पहले छाछ पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, कूल बिल्कुल ठंडा कर देता है। सो मैं कर लेती हूँ पूजा एंड उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई और मैं किचन में आ गई हूँ। लेट्स कुक समथिंग। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस चावल पड़े उनको जीरा राइस कर दूंगी और दाल थोड़ी सी, एक बाउल दाल बना लूंगी अपने लिए। फ्रेंड्स, धुले हुए बर्तन लगाना किसे टास्क लगता है? मतलब जब धुलते हैं ठीक है, उसके बाद इन्हें लगाना ना, ऐसे लगता है एक साथ लगा लो बस जल्दी से, जैसे ही सूख जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि इनको जल्दी से लगा दूं क्योंकि मुझे ना ये भरा भरा अच्छा नहीं लगता। टाटा, बर्तन सारे मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे मेरे राइस भी बन गए, ऑलमोस्ट राइस भी बन गए हैं। मैं पता है भूल गई थी अनार खाना, नेगी जी को तो दे दिया पर खुद नहीं खाया। अब मैं थोड़ी देर बैठ के ना इसको खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये अनार खा लेती हूँ, तब तक मेरे चावल वगैरह भी बन जाएंगे, फिर आई थिंक आधे घंटे में थोड़ी देर में चावल खा लूंगी। एंड फ्रेंड्स, अनार के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे एक सीरीज देख रही हूँ मैं। सो आराम से इसे इंजॉय करती हूँ थोड़ी देर। मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी के साथ वॉक करने के लिए। क्या बोलूँ मैं, दोनों ही लिफ्ट नीचे है। फ्रेंड्स, मम्मी भी आ गई है घूमने के लिए और मम्मी पता नहीं फोन पे लगी हुई है। हम प्रिया का वेट कर रहे हैं अभी, प्रिया आने वाली है तो वेट कर रहे हैं बस। नेगी जी तो आज ऑफिस में अभी, वरना कल वो भी वॉक कर रहे थे हमारे साथ। कीशु, न्यू हेयर कट, चलो वॉकी वॉकी। गाइस, हम वॉक करने के लिए बाहर आ गए हैं सोसाइटी से। कृषि इन दो औरतों के बीच में क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, बाहर से घूम के हम लोग आ गए हैं और हम यहाँ झूला झूला झूलेंगे। ये कृषि का हेयर स्टाइल किसने बनाया आज? किसी के पापा ने उसको हेयर स्टाइल बनाया नया। आराम से पैर डालो, झूला झूलेंगे। यस, वेरी गुड किसी। फ्रेंड्स, काश मैं भी छोटी होती तो ऐसी झूल रही होती। गाइस, वॉक करके आ गई और पता नहीं बहुत प्यास लग रही है आज। अब ना प्यास लगने लग गई गर्मी की वजह से, सो पानी पी लेती हूँ पहले, ठंडा ठंडा। बहुत प्यास लग रही थी। आप लोग बताओ यार, गर्मी में ना अब बॉटल लेके भी नीचे नहीं घूम सकते और प्यास भी लग जाती है और मच्छर इतने खा देते हैं ना कि खुजली हो रही है। एंड फ्रेंड्स, मीनवाइल मैं नेगी जी का वेट कर रही हूँ घर पे। ये वीडियो उन्होंने शूट करी थी सुबह ऑफिस जाते वक्त, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। आजकल नेगी जी लंच लेके जा रहे हैं तो ये लंच बॉक्स है जो वो लेकर जाते हैं। एंड रात के 12 बज चुके हैं, वो वापस आ गए हैं, तो घर आते हुए भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स बनाई थी, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। मैं ना 12 बजे तक उठी रहती हूँ जब तक नेगी जी आते हैं, 12 साढ़े 12 जो भी टाइम होता है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे। एंड फ्रेंड्स, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने नेगी जी की पानी की बॉटल भर के रखी ऑफिस की, और अब बॉटल्स भर के रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि आधी आधी बॉटल ना आजकल ठंडे पानी के चक्कर में, ऐसे लगता है पानी चाहिए, बस पानी चाहिए, तो फ्रिज में होना चाहिए।
इंस्टेंट ऑफ शुगर, मैंने इसमें शक्कर डाला है फ्रेंड्स। शक्कर सही रहता है खाने पीने के लिए, तो मैंने आज मैंगो शेक के लिए शक्कर यूज किया है। एंड यहाँ पे नेगी जी ने कुछ मंगवाया है अमेजोन से, तो अभी वही आकर खोलेंगे या मैं खोल दूँ, इसमें होगा क्या यार। एंड फ्रेंड्स, आप लोग सोचे होंगे नेगी जी कहाँ है, तो नेगी जी सुबह सुबह जिम जाते हैं, स्विमिंग जाते हैं, इसीलिए जब मैं घर में अकेली होती हूँ ना, तो मैं उस टाइम मैंगो शेक, छाछ या सब्जी, खाना जो भी होता है वो तैयार करती हूँ, और नेगी जी जाते हैं जिम। शैंकी भी आता है उनके साथ स्विमिंग करने के लिए। कहाँ बहुत टाइम लगा है, 10 ही तो बजे अभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगी जी अपना फेवरेट बनाना एंड मिल्क पी रहे हैं, हैं? और यहाँ पे आपके सर के ऊपर देखना कैप का निशान कैसे बन जाता है, स्विमिंग वाली कैप का निशान पूरा यहाँ पे निशान बनता है नेगी जी का डेली, और काफी देर तक हटता भी नहीं है। आज घिया की सब्जी बन रही है और मैंगो शेक मैंने सुबह ही बना लिया था, पराठा बनेगा नेगी जी के ऑफिस ले जाने के लिए। घी आपको पसंद है? पहले तो आपको पसंद था यार, अब नहीं पसंद। अब क्यों नहीं पसंद? जब से तूने बनाना शुरू किया। ओ ये फ्रेंड्स, यहाँ पे बन गया टेस्टी टेस्टी घी की सब्जी, चाय और पराठा भी बन रहा है। फ्रेंड्स, कपड़े सुखा दिए यहाँ पे, नेगी जी भी ऑफिस चले गए, मैं भी जरा नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। यहाँ लगा देती हूँ पर्दा, वरना धूप बहुत तेज आती है अंदर। फ्रेंड्स, नीचे आ गई मैं प्रिया औरों के घर में, और ये देखो इस टाइम दिन में स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली। नेगी जी को बड़ा पसंद है खाली खाली स्विमिंग पूल। सो गाइज, मैं आ गई हूँ नीचे प्रिया के घर में, एंड मैं दिखाती हूँ आज प्रिया ने कैसे फैलाव कर रखा है कपड़ों का। मामी ने कितने कपड़े फैला रखे हैं, है ना? है ना अक्षु? मैं कौन हूँ? ये मुझे ना चाची बोलता है, पता नहीं क्यों। मैं कौन हूँ? पता नहीं अभी क्यों नहीं बोल रहा। हाय कर दो सबको, हाय हाय हाय। प्रिया ने देखो कैसे कपड़े फैला रखे हैं, आज ये पूरा कबर्ड क्लीन कर रही है, अच्छे से कपड़े अरेंज कर रही है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों के साथ और वैसे नॉर्मली भी सारे कपड़े ऐसे फैल जाते हैं ना रखते रखते। सिर्फ हमारी मम्मी है जो अप टू डेट रखती है अलमारी, और प्रिया के चीजू। मेरा कबर्ड भी ऐसे ही फैल जाता है, प्रिया का भी फैल जाता है। प्रिया के पास ऐसे ऐसे कपड़े हैं ना फ्रेंड्स, जो इसने कभी पहने ही नहीं है, मुझे लग रहा है आधों के तो इसने टैग नहीं निकाल रखे। अभिषेक देखेगा ना, बोलेगा हैं? मुझे खुद ही तय मारने कपड़े पसंद नहीं है, न मैं तय अच्छे मारती हूँ, मैं नॉर्मल तय मारती हूँ बस। लेकिन नेगी जी बहुत अच्छी तय मारते हैं, एंड वो मुझे बहुत बार बोलते भी हैं। बट यार कुछ चीज होती है ना आपको पसंद नहीं होती है। यहाँ हमारा कृषि भी आ गया है, हाय कृषि। हेलो गाइस, बोल दो। नहीं यम्मी, यम्मी के पहले हेलो बोलो। फ्रेंड्स, इतनी धूप हो रही है ना इस टाइम पे तेज कि क्या बोलूं। मैंने सोचा अभी पानी डाल देती हूँ, इस टाइम पे बाहर बहुत ज़्यादा तेज धूप है यार। ऐसा लग रहा बालकनी में जब आई हूँ ना ये डालने के लिए भी पानी, ऐसा लग रहा धूप ना ऐसा अंदर से सब कुछ निचोड़ लेगी, जैसे बहुत तेज धूप है। गर्मी लग गई, थोड़ी सी देर में गर्मी लग गई, 4 गमलों में पानी डालने में। सो ऊपर आ गई हूँ, और अभी मैं देख रही थी मेरा काजल वगैरह भी खत्म हो गया है। आजकल ना मैं इस चक्कर में लाइनर लगा रही हूँ, काजल के डिब्बे को तोड़ के काजल लगाया मैंने। तो थोड़ा शाम को भी आजकल गमलों को जरूर पानी दीजिए, गमले सूखेंगे नहीं। और किसी ने मुझसे पूछा था मैं कौन सा काजल यूज करती हूँ, तो मैं वो दिखाती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, मैं यूज करती हूँ ये वाला जो होता है ना काजल L18 का, मैं ये वाला यूज करती हूँ। उससे पहले मैं मेबलिन का भी यूज करती थी, बट ये भी मुझे ठीक लगता है, मेबलिन भी अच्छा है, मैं वो भी यूज करती थी पहले। अभी काजल खत्म हो गया था, 2-3 दिन से मैं काजल लगा ही नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया इसको ऐसे तोड़ दिया और इसको यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, शाम की पूजा हो गई है,
एंड एक भजन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। एंड मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा है क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने लिए नूडल्स। आज पता नहीं क्यों मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, तो मैं ये बनाऊंगी। गाइस हल्का हल्का बॉईल हो रहा है तो मैं ये नूडल्स इसमें डाल दूंगी। और एक हाथ से पकड़ना बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पर मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए हैं बॉईल होने के लिए। गाइस जब तक बॉईल हो रही है नूडल्स, मैं इनको कट कर लेती हूँ। शिमला मिर्च मेरे पास कटी हुई है, बट उसको भी पतला पतला काटना है। टिरा, तो मैंने यहाँ पे गाजर काट लिए, शिमला मिर्च काट लिए पतली पतली। ये मेरे सैलेड के लिए, ये मैंने सुबह नेगली जी को दिया था तो ये आधा बच गया था, तो मैं इसे सैलेड में अभी खाऊंगी। टिरा गाइस, यहाँ पे मेरी नूडल्स रेडी हो गई है। एंड अब मुझे देखकर इतनी खुशबू आ रही है जो मन कर रहा है कि बस मुंह में पानी आ गया है। यम्मी यम्मी नूडल्स। किस किस को नूडल्स पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है फोक की मदद से, तो बस अब मैं इसको 2 मिनट और पकाऊंगी और फिर सर्व करके खाऊंगी। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि नूडल्स कैसे बने। मुझे ना मुँह में इतना पानी आ रहा है। वैसे तो घर की बनी हुई ना कोई भी चीज़ अच्छी होती है, पर हाँ मार्केट की भी अच्छी होती है। मैं कन्फ्यूज हूँ, पर खाना है। मेरी नूडल्स वाली क्रेविंग, मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छी लग रही है यार, मैं इतने टाइम बाद नूडल्स खा रही हूँ। घर पे ना बेस्ट नूडल्स बनते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए कमेंट करो, अगर आप कमेंट करोगे रेसिपी दो, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी जल्दी रेसिपी दूंगी। बहुत इजी बनती है घर में नूडल्स की रेसिपी, बहुत ही ईजी है। घर में बच्चे हैं बड़े हैं सबको पसंद आएगा नूडल्स। सो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ वॉक पे मम्मी और प्रिया के साथ, नाइट वॉक। और लकीली आज दोनों ही लिफ्ट ऊपर आ रही हैं। गाइस मेरे घूमने के साथ ही मम्मी, कृषि, प्रिया, चिका, हम तो पतले हैं, हम इसके चक्कर में आए। कहाँ घूमने, बाहर या अंदर? चलो अंदर, चलो चलो बाहर नहीं घूमना। एंड फ्रेंड्स घूम लिया था, घूमने के बाद मैं केमिस्ट में आई थी, मुझे झंडू पंचारिष्ट चाहिए था तो मैंने यहाँ से लिया। और वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।